हाय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्ट्रीट फूड होम फूड। आज हम लोग बनाएंगे मीठा कद्दू का सिल्के की भरता। इसलिए हम लोग लिया एक मीठा कद्दू का सिल्का, सिल्के ले लिया करीब 200 ग्राम, एक बड़ा सा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, एक छोटा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक, आधा छोटा चम्मच जो है नमक, आधा छोटा चम्मच जो है हल्दी पाउडर और हरी मिर्च हम लोग 3 पीस लिया, एक टेबल चम्मच सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे। इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे मीठा कद्दू का भरता। अभी जो है ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो सब बॉईल करके लेना है। पाँच मिनट करीब बॉईल करके लेना है। लो फ्लेम में ढक के 5 मिनट पकाने का। पानी बिल्कुल सूख गया, मतलब हमारा मीठा कद्दू का सिल्का जो है वो बॉइल्ड हो गया। सिलपटा पे पीस लेना का है, ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। दो टेबल चम्मच सरसों का तेल हम लोग ले लिया तड़का लगाने के लिए। यहाँ तो थोड़ा सा मूंग के लेना है। प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके लेना है। गोल्डन ब्राउन हो गया, वो जो मीठा कद्दू का जो हम लोग बाट लिया था पीस के लिया वो दे दिया। लो फ्लेम में अच्छे तरह मिला लेने का। तीन चार मिनट पका लेने का। मीठा कद्दू का सिल्के जो है वो बहुत ही टेस्टी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो फेंक देता है। तो फेंकिएगा मत। ये रेसिपी फॉलो करके बना के खा कर देखिएगा। हरा धनिया जो था वो डाल दिया।
हरा धनिया देने के बाद आधा मिनट पका लेने का। व्यूअर्स रेडी हो गया है हमारा मीठा कद्दू का सिलके का भरता। ये भरता का रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक किएगा, कमेंट करके बताइएगा अच्छा बुरा, शेयर किएगा दोस्त का बीच में, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसा नया नया रेसिपी वीडियो के लिए। थैंक यू।